हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। डीएम के ऑर्डर से छुट्टियां हो रही हैं बच्चों, ठंड की वजह से, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि छुट्टियां सिर्फ एंजॉय के लिए हैं। आप लोग एंजॉय भी करिए, खेलिए भी, आराम भी करिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट मंथ आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे, है ना। तो ये आपका फाइनल रिविज़न चल रहा है। आप ये मत सोचिए स्कूल खुलेंगे तब रिविज़न होंगे, तब तो होंगे ही, लेकिन तब शायद इतना टाइम ना मिल पाए मौसम को देखते हुए। पता नहीं अभी स्कूल कब खुलेंगे, शायद एक दो दिन और लेट हो सकते हैं, है ना। तो अपना पढ़ते रहिए, पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर ये सारे रिविज़न वर्क आप लोग कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज़ बार 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 कराई जा रही है, हर काम रिपीट हो रहा है, तो अगर ध्यान से कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं चाहती हूँ आप लोग ध्यान से करें। स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में मनाते हैं? जो आपके पास 20 डेट को वर्कशीट आई थी उसके आंसर मैच कर लीजिए। स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में मनाते हैं? अगस्त में। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। मंगलवार सप्ताह का कौन सा दिन है? दूसरा। टमाटर का विशेषण बताओ, लाल। पढ़ना शब्द में क्रिया की धातु क्या है? पढ़। मुहावरों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? प्रभावशाली। भारत में कौन से त्यौहार मुख्य रूप से मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय और धार्मिक। ये क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, है ना। तो राष्ट्रीय और धार्मिक लिखना है। भारत के मुख्य त्यौहार में होली दिवाली कोई नहीं लिखेगा। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। कौन से दिन विद्यालय बंद रहता है? रविवार। ठीक है, आज जो वर्कशीट बनाई थी मैंने वो बाय मिस्टेक घर रह गई है, तो मैं जो आज आपको दूसरी वर्कशीट दे रही हूँ ग्रामर की ही है वो। और आप देखेंगे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ग्रामर में क्वेश्चन आंसर कम होते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आपको इसलिए बार बार वो करा रहे हैं ताकि अगर इनमें से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हो, है ना। विशेषण विशेष्य बार बार इसीलिए बताया जा रहा है दोनों मंत्र, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। आज का जो वर्क आप करेंगे हिंदी ग्रामर में, भारत में मुख्य त्यौहार कितने प्रकार के होते हैं? पीछे जो क्वेश्चन है ये वही वाला क्वेश्चन है, इसमें आप होली दिवाली बिल्कुल नहीं लिखोगे। दो त्यौहार होते हैं, इसका आंसर मैं खुद बता रही हूँ। दो त्यौहार होते हैं, धार्मिक और राष्ट्रीय, ठीक है। भारत में होली दिवाली नहीं लिखेंगे, होली दिवाली धार्मिक त्यौहार होते हैं, ये आपको मैंने क्लास में बताया था। एक साल में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तीनों क्वेश्चन जानबूझ कर दिए हैं ताकि आप अलग अलग जब आंसर लिखो तो आपके माइंड में रहे, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आप लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज जाते हो। सप्ताह जिसको आप इंग्लिश में वीक बोलते हो। बृहस्पतिवार को और किस नाम से जानते हैं? मुहावरे का अर्थ बताओ, पीगी बिल्ली बनना, इस मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है। ये मुहावरा आपको पूरा करना है पेट में डैश। क्या क्रिया के बिना वाक्य पूरा हो सकता है? इसका आपको उत्तर लिखना है। मैंने गीत गाया, ये क्रिया है, इसमें आप वाक्य में आपको क्रिया बतानी है। क्रिया का मूल रूप क्या है? आप देख लो कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना। आपको पता है बहुत सारा इस बार सिलेबस है, फाइनल में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप लोग अगर ध्यान से ये वर्कशीट कर लोगे तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होंगे, और मन से आप लोग ये वर्कशीट कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इन्जॉय भी करिए, खेलिए, रेस्ट करिए, कुछ भी करिए, पर थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर पढ़िए। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।